हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपको मैं अपने एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं गेम भी करता हूं, मोड भी करता हूं और बहुत कुछ करता हूं। आज आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं एडिटिंग कैसे करनी है। आपने सबसे पहले जैसे आपने थंबनेल देखा, अच्छा लगा तो फिर बढ़ते हैं वीडियो के आगे। इंट्रो हो जाए पहले। सबसे पहले जाना है आपने गूगल पे, गूगल पे जाना है, खुल जाए। हाँ, यहाँ पर सर्च करना है सबसे पहले यूट्यूब बटन। जाइए आप इमेजेस में और यहाँ पर जाकर आप जो मर्जी यूट्यूब बटन के लिए, जैसे मैंने ये लिखा था ऐसे आपने दे लेना है जैसा आपको पसंद आएगा। मैं ले चुका हूँ पहले, तो मुझे लोड नहीं लेने की। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ। अब यहाँ पर आप लिखिए अकेला यूट्यूब। अब यूट्यूब लिखने के बाद आप जोन सा आपको यूट्यूब यहाँ पर पसंद आएगा, जैसे ये बने हैं, जैसा आपको पसंद आएगा तो ले लेना, कोई चिंता की बात नहीं। उसके बाद चलने हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो चाहिए बता देना। मैं ग्रीनरी वाला ब्लैक ग्राउंड ले रहा हूँ। हाँ जी, जो आपको पसंद आएगा ले लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। और ये हो गया। अब और कुछ बाकी है क्या? नहीं, दे लेते हैं, बस इतना ही था। अब आपको आ जाना है हमारे प्यारे से रिमूव बैकग्राउंड में। इसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड कर लेना जाकर। बाय द वे, दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिस ऐप। अपलोड इमेजेस में जाना है आपने। जैसे आपको पता तो मैं ब्राउज कर आप आ जाएंगे जहाँ से आपने स्क्रीन शॉट दिए होंगे। जैसे कि ये स्क्रीन शॉट था इसका, तो इसका ये बन गया। जैसे इसका ये था, मैंने ये बना दिया, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। ऐसे आप कर लेना। उसके बाद आना पिक्सल है, मे लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ये बहुत अच्छा ऐप है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। मैं इंच देखो ऐड आ गई। चल मैं ऐड निकल जा। ये रे गाइस, ऐड जाने का नाम नहीं लेती रे। अभी भी ऐड दिखाई जा रहे हैं। अब ओहो शिट, पहले हमें उसे डिलीट करना पड़ेगा वरना आप जान जाओगे मैंने ये सभी कैसे बनाया। फिर आप कहोगे ओ लाला। ऐसे जाइए आप यहाँ पर और यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए। आप जाना है यहाँ पर, जो आपको यहाँ ऑप्शन मिल रही है यहाँ पर जाना है। फ्रॉम गैलरी पे जाना है, अपने बैकग्राउंड चुनना अपना पिछला। यहाँ पर जाके अपने इमेजेस में और जहाँ पर स्क्रीन शॉट ले गया वहाँ पर जाना है। यहाँ पर ग्रीनरी वाला बैकग्राउंड आ चुका है, जैसा क्रॉप करना करो वरना मत करो। इसको आप डिलीट कर जाते हैं यहाँ पर, इसका ना पो ये डिलीट हो जाएगा। टेस्ट प्लस की ऑप्शन में टाइप और ये फ्रॉम गैलरी। सबसे पहले हम लेकर आएंगे यूट्यूब वाला जो हमने बनाया है, ऐसे करके इमेजेस में डाउनलोड में आपका वो आ जाएगा बैकग्राउंड वाला सिस्टम। अरे जाना मैंने बस तो दोबारा चलते हैं, आपको बताते हैं। मतलब मैं पानी कहीं और ही आ गया। ये देखिए रहा पूरा, देखिए आप जैसे जैसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप कहेंगे इसके बीच में ये चीज़ें आ रही हैं, करने का तरीका है ना। फ़ोटो भी ऐसे क्लिक करो, फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर स्टॉक है। जैसे आपको कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना हो, देखिए पूरा अच्छा हो गया, देखिए अच्छा हो गया ना पूरा। इसको अब मैं ऐसा कर देता हूँ थोड़ा, तो और थोड़ा ऐसा कर देता हूँ। देखिए अब आपको लिखना है टेक्स्ट प्लस की ऑप्शन में टेक्स्ट। यहाँ पर आपको आएगा ए में जाइए, यहाँ पर एडिट होएगा। इसको कर दो डिलीट और लिखो यहाँ पर जो आपको चैनल का नाम है। मैं थोड़ा बहुत लिखूँगा, अपने चैनल का नाम लिखूँगा। लिख लिया, ओके कर दो। इसको यहीं पर रहने दो, ध्यान से हिल जाता है। इसको कर दो थोड़ा बड़ा। इसको भी आप इसकी जो आपको पसंद आए फॉन्ट, जैसे ये वाली देखिए मैंने फॉन्ट ले लिया। आप इसको हाईलाइट कैसे करना है, यहाँ पर आई ऑप्शन में सच ए वाली ऑप्शन में जाइए आप। स्टॉक है इसको, कलर बहुत सारे हैं, देखिए जैसे हो रहा है वो ब्लैक अच्छा लग रहा है। शेडो, इसकी शेडो बढ़ सकती है ऐसे, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं। आप जो कर सकते हैं, देखिए ऐसे कितने अच्छे लग रहे हैं, ज़रूरत नहीं अभी मुझे। ऐसे आपका टेक्सचर हो जाता है, आप 3D इफेक्ट भी डाल सकते हैं इसमें। एम्बोस का सिस्टम ही है ये, देखो 3D टेक्स्ट मतलब मेरा ये है, जहाँ से आप अपनी टेक्स्ट की ऐसे कर सकते हैं। चलिए ये कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है।
अब आपको करना क्या है, अब आपको थोड़ा सा अपना लोगो भी साथ में लगाना है, या बीच कार में लगा सकते अपना लोगो। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ऊपर लगाऊंगा लोगो अपना। करना क्या है लोगों के लिए, ओ सॉरी, प्रश्न में ऑप्शन में जाइए, बाद में फ्रॉम गैलरी जहाँ पर आपने अपना लोगो बनाया होगा वहाँ पर आप चले जाना। मेरा लोगो है, लोगो है मेरा, कहाँ गया ये रहा और ये रहा। इसका आप गोल शेप दे देना, यहाँ से हो जाएगी देखो गोल शेप। अब आप कहेंगे ये काला बहुत है, इसको हम सेट कर देंगे, तो छोटा कर लो इसे, ऐसा कर लो इसे और छोटा कर लो, और जहाँ पर आपको अच्छा लगे वहीं पर इसको रख डालो। कहाँ पर रखें इसको, चलो ऐसे कर लेते हैं। अब आप इसको भी कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में जाइए, स्टॉक में जाइए, इसको देखिए हो गया ना बढ़िया। इसको रेड रंग कर देते हैं हम, इसको ऐसे कर दीजिए, हो गया। अब अपने प्ले बटन कैसे लेने हैं, वैसे ही फ्रॉम कलर में जाकर और यहाँ पर इसके इमेजेस में जाकर, डाउनलोड में जाकर, या प्ले बटन रहा इसे छोटा कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, और ये चलो ऐसे बढ़िया लग रहा है, चलो ऐसे ही होना था। अब यहाँ पर भले ही आप यहाँ पर एक लगा सकते हैं, मैं दो दो लगाऊंगा यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर लग गया। इसको आप भी कर सकते हैं हाईलाइट, देखिए हाईलाइट करके बता देता हूँ आपको, लग रहे ना बढ़िया। इसकी शेडो में लगाता हूँ, शेडो में और भयंकर लगेगा, देखिए शेडो में और बढ़िया है। इसकी इनर शेडो आगे, चलो इसकी ये लगा दो। अब यहाँ पर से आप टेक्स्ट लिख रहते हैं, जैसे आपके कितने के हुए हैं वैसे आप लिख दीजिए, यहाँ पर करो करो, ये पे जाइए, एडिट पे जाइए, लिखिए यहाँ पर अपने 100 के। इसको बड़ा कर चाहे बीच में लगा लो, जहाँ मर्जी लगा लो, अपना गया है। फ़ॉन्ट पे जाइए, जैसे इसके लिए मैं चुनूँगा, जैसे समझो यही चुन लिया मैंने। अब इसको हाईलाइट कर सकते हैं, हाईलाइट कर लो, इसको मेरा थोड़ा और बढ़िया सा बना लेते हैं, थोड़ा कूल लगेगा। देखो मैं कैसे बनाता हूँ, कंट्रोल के मड़ी इसकी ये शेड अच्छी कर लूँ। हाँ लग रहा है ना पूरा बन गया आपका, देख लीजिए। अब सेव कैसे करना है, यहाँ पर सेव एस इमेज में क्लिक, सेव टू गैलरी, एंड देन ये देखिए लिखा गया बंद। अभी गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर देना, अच्छी नहीं लगी फिर कमेंट कर देना। तो आपको मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू।